हेलो माय डियर क्लास 3 स्टूडेंट्स. बेटा, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट योर होम. नाउ आवर स्टडीज आर गोइंग ऑन एंड इन आवर मैथ्स वी फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.6. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है ना, वी फिनिश स्किप काउंटिंग. नाउ टुडे वी विल डू सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, टुडेज टॉपिक की सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिसेसर? सक्सेसर क्या है, प्रेडिसेसर क्या है? सो द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट सक्सेसर. इसका मतलब है बेटा कि कोई भी आपको नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 29 है, ठीक है? तो 29 के बाद व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 29? 29 के जस्ट आफ्टर बाद में क्या आता है, वो आपका क्या हो जाएगा? सक्सेसर. क्या हो जाएगा बेटा? सक्सेसर. एंड हियर इट मीन्स वी हैव टू ऐड 1 टू अ गिवन नंबर टू गेट सिक्स सक्सेसर. इसका मतलब कि हमें सक्सेसर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिवन नंबर है उसमें +1 करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा? जैसे 29 है तो इसमें आप +1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 30, है ना? इट मीन्स व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 29? 30. सो 30 इज द सक्सेसर ऑफ 29. 30 क्या है? 29 का सक्सेसर है. नेक्स्ट आपका इसी में ही क्या था? प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर क्या है? द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी जो नंबर गिवन नंबर के जस्ट बिफोर आता है उसे हम प्रेडिसेसर कहते हैं. जैसे 29 मैंने आपको दिया था, और 29 से ये तो था आफ्टर, और बिफोर यानी पहले, जस्ट पहले क्या आता है, ठीक है? तो इसमें हमने आफ्टर के लिए तो हमने +1 किया था, लेकिन बिफोर के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ गिवन नंबर टू गेट सी प्रेडिसेसर, यानी जो आपको गिवन नंबर है उसमें से, फ्रॉम मतलब उसमें से -1 कर दीजिए, और जो आपके पास में आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा प्रेडिसेसर. क्या हो जाएगा? प्रेडिसेसर. सो फॉर सक्सेसर वी हैव टू ऐड 1, एंड फॉर सक्सेसर वी हैव टू ऐड 1 नंबर विद गिवन नंबर, एंड फॉर प्रेडिसेसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ गिवन नंबर, ठीक है? ये आपको यहाँ तक समझ आ गया. सक्सेसर के लिए हम +1 कर देते हैं, और प्रेडिसेसर के लिए उस नंबर में से -1 कर दीजिए जो भी आपको गिवन है. देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हमें गिवन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये. राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स, और उसमें क्या किया है, देखिए सॉल्यूशन में सभी में +1 कर दिया और आंसर फाइंड आउट हो गया. और वैसे भी आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं. जैसे 329, तो 29 है, 329 के बाद क्या आता है? 329 के बाद 30, तो 330. इट मीन्स +1 करके भी हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया. आप काउंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए सारे आंसर्स इसी टाइप से किए हुए हैं, इसमें +1 करके. ऐसे ही प्रेडिसेसर का हमने क्या देखा कि प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए सभी में से -1 किया हुआ है ना बेटा. अब हमें क्वेश्चन आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.7 पे. एक्सरसाइज 2.7, 2.7 आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द सक्सेसर, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स. और जो फर्स्ट ए हमें गिवन है 7,990, उसके बाद में बी गिवन है 4,321, सी में क्या गिवन है 5,625, अच्छा डी में क्या गिवन है 1,429, ई में क्या गिवन है आपके पास 8,462, एंड एफ जो है वो गिवन है 7,469, है ना? अब आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है इसमें सिर्फ +1 करना है. क्या करना है? +1. तो आप देखेंगे 0 + 1 1 9 9 7, 7,991 क्या है, ये सक्सेसर है किसका, यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं उनका, ठीक है? ऐसे ही 4,321 +1 कर दीजिए, तो 1 + 1 2, सो 4,322.
5625 है, तो 25 + 1 26, सो 5626। और आप चाहते हैं तो यहाँ साइड में इस तरह से लिख के प्लस भी कर सकते हैं और आंसर्स नोट कर सकते हैं। जैसे 1429 + 1, 9 + 1 10, 1 carry 1 + 2 3 4, 1430, है ना, इजी। ऐसे नेक्स्ट है 8462, यहाँ पे आप प्लस लगा के 1 carry 2 + 1 3 6 4 8, 8463, 7469। तो 69 के बाद क्या आता है बेटा, 70, यानी 7470 आंसर होगा। पर फिर भी मैं आपको इजी करने के लिए प्लस वन करती हूँ, तो 9 + 1 0, 1 carry 1 + 6 7, 7470। ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया है, 1, क्या फाइंड आउट किया बेटा इसमें हमने, सक्सेस। ऐसे अब जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रेडिसेसर, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। तो प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या, हमें क्या करना था, गिवन नंबर में से क्या करना था, माइनस वन करना था। तो जो ए है, ए ए में क्या गिवन है, 1435, बी है 6425, सी है 1421, 1008, नेक्स्ट है 2098, देन 8962, ठीक है। एफ तक गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, सिंपल है, माइनस वन, यानी आप बिफोर, तो 1435 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 35 से जस्ट पहले काउंटिंग आती है आपको, है ना, तो 31 32 33 34 35, यानी 34 35, तो 35 से जस्ट बिफोर पहले ऊपर क्या आया था, 34, है ना, यानी 1434 आएगा। और आप सिंपल इसमें से माइनस वन कर दीजिए, तो 5 - 1 यहाँ लिख लीजिए 4, ठीक है, 3 4 1, 1434 ऐसे ही है, 6425, तो 25 में से भी माइनस वन करेंगे हम, तो 5 - 1 अगेन 4, है ना, देन 2 4 6, यानी 6425। 21 - 1 कितना होता है बेटा, 20, तो 0 2 4 1, 1420, यानी आप इसको साइड में लिख करके ऐसे इस तरह से माइनस करके भी अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 1008 - 1, तो 8 - 1 7, 1007, नेक्स्ट 2098 - 1 कर दीजिए आप प्रेडिसेसर के लिए, तो 8 - 1 7, 9 0 2, तो 2097, क्लियर। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट 8962, तो इसमें से भी माइनस वन करेंगे, तो 2 - 1 1 6 9 8। वैसे आप इसको बिफोर काउंटिंग से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑपोजिट काउंटिंग तो आपने करा हुआ है, उल्टी गिनती है ना जो हम करते हैं, 50 49, बैक काउंटिंग जो बोलते हैं हम, तो यहाँ पे भी 8962, तो 62 है, 62 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 61, 8961। ऐसे 2098 जस्ट बिफोर क्या आता है, 97, ये देखिए 2097, क्लियर। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, सक्सेसर में प्लस वन एंड प्रेडिसेसर में माइनस वन कर दीजिए। अब देखिए लास्ट उनका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर दोनों फाइंड आउट करने हैं, जो भी आपको नंबर गिवन है। तो फर्स्ट में आपको गिवन है 4165, 2986, 1453, 2009 एंड 1081, ठीक है। आपको प्रेडिसेसर भी फाइंड आउट करने हैं और सक्सेसर भी फाइंड आउट करने हैं, यानी हम उसी नंबर में से प्लस वन भी करेंगे और प्लस वन करने के माइनस वन भी करेंगे, ठीक है, यानी बिफोर एंड आफ्टर दोनों देखना है। तो आप देखिए 4165, 65 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 5 से पहले 4 आता है, यस, तो 4164, और 65 के बाद 66, तो 4166। और आप चाहें तो फिर 65 + 1,
66 एंड 65 माइनस 1 64, तो 4164। अब दिया 2986 में से अगर आप माइनस 1 करेंगे, 86 माइनस 1 85, तो 2985। और 2986 के जस्ट आफ्टर, 86 के बाद आता है 87, 2987। तो आप प्लस 1 करके भी सक्सेसिव फाइंड आउट कर सकते हैं, या माइनस 1 करके प्रेडिसेसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर काउंटिंग में आप बैक काउंटिंग के हेल्प से भी प्रेडिसेसर फाइंड कर सकते हैं, और नॉर्मल काउंटिंग करेंगे आप तो सक्सेसर अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ 53 है, 1453, तो माइनस 1 करना है, तो 53 से जस्ट बिफोर क्या आता है 52, सो 1452। ऐसे ही 1453 है, तो 53 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा 54। क्लियर बेटा? अब आप ये जो नीचे के डी एंड ई है, ये आपके होमवर्क हैं, आप अपने आप इसे बुक में करेंगे। तो क्योंकि आपकी बुक में देखिए पूरी स्पेस दी हुई है, दी है क्वेश्चन 1, 2 और 3 के लिए, है ना। तो जो आपका ये क्वेश्चन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको दिखाया अभी करवाया ना, ये वाला, आप इसको पूरे को किस में नोट करेंगे, अपनी बुक में, ठीक है। नीचे के जो हमारे पास नीचे के 2009 और 1081 दिए हुए हैं, ये आपके क्या हैं, होमवर्क है। क्या है बेटा? होमवर्क। यहाँ पे भी मैंने आपको करवाई थी, इसमें ये आपको होमवर्क दिया था स्किप काउंटिंग में, इसमें हमें 1, 2s की काउंटिंग करनी है, यानी एक नंबर स्किप करके सेकंड नंबर नोट करना है। तो 56 क्या 57 छोड़ दीजिए, 58 4058 के बाद 59 स्किप कर दीजिए, 60 4060 61 स्किप करेंगे 4062, और 63 स्किप करेंगे 4064। या थ्रीज की करनी, यानी 3-3 नंबर का गैप देना, 59 के बाद 60 61 छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 62, 63 64 छोड़ेंगे तो 65। इस तरीके से आपने ये किया होगा, आपके पीछे आंसर्स गिवन है, और आपने चेक भी मुझे लगता है पक्का कर लिया होगा, है ना बेटा। तो ये हमारी हो गई, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो होमवर्क दिए थे वो आपने कर लिए होंगे, और यहाँ पे मैंने आज आपको 2.7 कराई, ये भी आपको बुक में ही करनी है। आप सिंपल यहाँ पे डेट डाल दीजिए और इस वर्क को कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। इन सक्सेसर वी हैव टू ऐड 1, एंड इन फॉर प्रेडेसेसर वी हैव टू फॉर फाइंड प्रेडेसेसर वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपेरिजन ऑफ नंबर्स होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही फिनिश है। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारे पास बुक नहीं है, तो बेटा बुक की फ़ोटो देखिए, आपको अच्छे से पूरी वीडियो में दिखाई दे रही है, बुक आपने देख ली, यही वाली बुक आपकी चल रही है, ठीक है। तो पेंसिल से सुंदर राइटिंग में वर्क करना है, इसको फिनिश करना है, और साथ में अपने आप करना है, चिटिंग नहीं करनी है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने आप मम्मी से बोलिए, या दीदी से बोलिए, पापा से बोलिए, वो आपको देंगी, और बाद में आप उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उनके सक्सेसर प्रेडिसेसर फाइंड आउट करके अपने सिस्टर ब्रदर या मम्मी पापा जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे कहिए, मैम हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दीजिए, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि हमारे आंसर राइट से या राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। और अगर रॉन्ग है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम हमारा क्या हो गया, वापस ऐड करना तो आता ही होगा, बहुत ईजी है। ओके बाय बेटा।